ज़कात फाउंडेशन जो शानदार तंजीम जो आपके सूबे में तालीम के लिए काम कर रही है, और उस कार्यक्रम का नाम ही एक तरह से उन्होंने जो मिशन तालीम रखा हुआ है वो बहुत लुभाने वाला टॉपिक है, उन्माद है। मैं पिछले 12-13 रातों से मुसलसल सफर में हूँ, और जब इनकी दावत मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए मिली तो उस वक्त शायद मैं हरम शरीफ में था, और वो और मैं ज़कात फाउंडेशन से इसलिए भी मन के काम से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने उस चीज को एक डायरेक्शन दिया, एक दिशा दी, ये आने वाली सदियों में आने वाले वक्त में कितना कामयाब होंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन आज उनका काम देख करके, और जब मैं सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा था तो बच्चों के नाम देख करके और उनकी कामयाबियां देख कर उनके स्कोर देख करके मैं महसूस कर रहा था कि फाउंडेशन ने कितना शानदार काम किया। मुझे याद आता है कि एक बार जंगल में आग लगी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे जंगल छोड़ के भाग रहे थे, एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, उसकी आंख में आंसू थे, एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस का एक और जंगल था, उसमें एक तालाब था, उस तालाब में पानी था, वो गई उस तालाब पर और उसने अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी उसने वो पानी भरा चोंच में, और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया, फिर गई फिर पानी भर के लाई, फिर दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया, फिर पलट के गई वो गौरैया नन्ना सा परिंदा, फिर उसने पानी भरा फिर ला करके दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की एक पेड़ की डाल पर बैठ कर सुस्ताने लगी, तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों नहीं गौरैया तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया का जवाब सुनना, गौरैया ने कहा कि मुझे पता है कि शायद मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाली सदियों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो ये कुछ नौजवान साथी जो कुछ कोशिशें कर रहे हैं, ये पता नहीं समाज को कितना बदल पाएंगे, लेकिन इनकी कोशिश के लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जो मिशन शुरू किया है, उसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। शायद ऐसा ही उस हाथ को सर सैयद ने भी देखा रहा होगा ना, और शुरू में तो उन्हें कितनी गालियां मिली, क्या कुछ नहीं मिला, मिला ना, लेकिन आज पूरी दुनिया में जहां भी जाता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे मिलते हैं, वहां के तलबा मिलते हैं और सर सैयद को याद करते हैं। जब आप कोई नया मिशन लेकर चलते हैं तो लोग तनकीद तो करते हैं, बुरा तो कहते हैं, इल्जाम तो लगाते हैं, लेकिन आखिरकार कबूल करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन के तमाम साथियों को खुसूसी तौर पर मैं मुबारकबाद दे रहा हूं, आपकी सोच बड़ी, ना हम सफर में किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, ना हम सफर में किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये कोशिश बड़ी है, ये सोच बड़ी है, मैं इसलिए भी आज यहां हाजिर हूं। अमीन साहब का शुक्रिया, उन्होंने बार बार रात में भी रात के 2 बजे तक वो जागते रहे और कहते रहे कि इमरान भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको आना पड़ेगा। सुबह मैसेज आया कि फ्लाइट 1.5 घंटे डिले है। अच्छा, रायपुर से मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है कि जब भी मैं रायपुर आना चाहता हूँ, पिछले 3-4 बार ऐसा हुआ, कभी फ्लाइट डिले हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, पता नहीं रायपुर से क्या रिश्ता है कि जब भी मैं आना चाहता हूँ अमूमन कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आती है। तो मैं सोचता हूँ कि जब भी कोई अच्छा काम करिए, शैतान जहन तो भटकाता ही है, लेकिन काम तो करना है, अगर आपने सोच लिया तो पहुंचना ही है। लगता है कई रात को जागा है वो सब तस्वीर की आंखों से थकन झांक रही है। मैं इतना सच में बहुत बहुत थका हुआ हूँ, मुसलसल सफर है और 2 दिन बाद में ऑस्ट्रेलिया जाना है, लंबी सी फ्लाइट, फिर इलेक्शन के प्रोग्राम,
लेकिन इस सब के बीच में जब तालीम पर कोई प्रोग्राम मिलता है, हम हर रात किसी ना किसी महफिल में होते हैं, किसी जलसे में होते हैं, किसी सियासी महफिल में होते हैं, लेकिन उन सारी जगहों पे जरूरत की वजह से जाना पड़ता है, मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है। लेकिन जब तालीम के किसी प्रोग्राम में जाना होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, वहां जाके कुछ अच्छा होगा, कुछ दिल के सुकून का काम होगा। तो जब इस तरह की महफिलों की दावत मिलती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहां जरूर पहुंचूं, क्योंकि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे दीवाने में। जब मैं मुशायरों की दुनिया में मैंने अपना सफर शुरू किया, एक बात यहां बैठी हुई तमाम माओ से, तमाम वालिदैन से खुसूसी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपका बच्चा जरूरी नहीं कि आप जो चाहते हैं वो करें, आप अपने बच्चे को उस काम में मदद करिए जो वो करना चाहता है। अगर विराट कोहली से कहा जाता कि तुम यूपीएससी क्रैक करके दिखाओ तो शायद नहीं क्वालिफाई कर पाता, आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन वो जितना बड़ा क्रिकेटर है कि आज पूरी दुनिया उसके हुनर से उसे पहचानती है। अगर शाहरुख खान से कहा जाता कि तुम क्रिकेट खेल करके दिखाओ, उसके वालिदैन मजबूर करते कि अच्छे क्रिकेटर बनो, तो शायद वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन आज उसके उसके आर्ट से, उसकी अदाकारी से पूरी दुनिया उसको पहचानती है, सलाम करती है। अगर मोहम्मद रफी साहब से कहा जाता कि आप जो है वो डॉक्टर बन जाइए, नीट क्वालिफाई करके, तो शायद नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह ने उनके गले में वो जादू दिया था, वो असर दिया था, वो रूहानियत दिया था कि आज वो दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी आवाज सुनते हैं तो एक लम्हे के लिए उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि आपका बच्चा जो करना चाहता है उसमें उसकी मदद करिए। हालांकि गांव में एक मिजाज है, शहरों में एक मिजाज है लोगों का, वालिदैन को लगता है कि दुनिया में सिर्फ दो नौकरी है, एक या तो बेटा आईएएस आईपीएस बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, इसके अलावा कोई। ये मेरे साथ भी हुआ है, हाई स्कूल तक तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, इंटरमीडिएट हाई स्कूल हो गया, अब इंटरमीडिएट कर लो, इंटरमीडिएट के बाद ठीक है भाई ग्रेजुएशन कर लो, बीए या बीएससी कर लो, उससे आगे एमए या एमएससी कर लो, पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या। अच्छा वालिदैन को भी लगता है कि भाई हाँ बच्चा पढ़ रहा है बस, लेकिन मेरी मतलब मेरी माओ बहनों आपको एक बात समझनी है कि बच्चे का पहला स्कूल तो आप हैं, आप जिस डायरेक्शन में चाहेंगी और बच्चा जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसके अंदर के हुनर को पहचानिए। और अब दुनिया इतनी सिमट चुकी है, ये ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को इतना समेट दिया है, सोशल मीडिया के जमाने में दुनिया को इतना समेट दिया है कि एक बच्चा आप देखती है कि एक दिन उसका एक वीडियो वायरल होता है, वो बच्चा जो गुमनाम होता है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाता है, एक दिन में उसे पूरी दुनिया पहचानने लगती है। दुनिया अब बदल चुकी है, तो उस बदलते वक्त के साथ हम कैसे ढले, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तालीम में अगर आप समाज पीछे रह गए हैं तो सारा दोष जो है वो सिर्फ सरकारों का है, मैं नहीं मानता हूं। लबों पे झूठा तबस्सुम सजाए बैठे हैं, अंधेरे खौफ उजालों से खाए बैठे हैं, जमाना चांद सितारों की सैर करने लगा, मियां जमीन पे चादर बिछाए बैठे हैं। गलतियां तो हमारी ही है, हम कितना भी कोसे, हम कितना भी बुरा कहें सिस्टम को, लेकिन हमें अपने अंदर के, अपने समाज के सिस्टम को भी तो समझना पड़ेगा। हमने ऐसा निजाम बनाया ही नहीं, हमने कोई ऐसी कोशिशें की ही नहीं, और अगर हुई भी तो बहुत छोटे पैमाने पर हुई। एक लगा फाउंडेशन से काम नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर जिले में, हर गांव गांव में, गली गली में इस तरह का काम करने वाले सरफिरे नौजवानों की फौज खड़ी हो, जिनका सिर्फ एक मिशन है कि तालीम पे काम करना है। और अगर आने वाले किसी मौलाना से हमें आपसे कहा था कि 5 साल आप चला ले गए तो कामयाब हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हो इसे 15 साल भी करना है और तब जाकर के इसका फल दिखाई देगा। अभी तो बहुत छोटे लेवल पे दिख रहा है, बड़ा बदलाव चाहते हो। दुनिया के किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना चाहते हो तो उसका हिस्सा बनो, जाओ
ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, पुलिस में जाओ, जुडिशरी में जाओ, मीडिया में जाओ। हम शिकायत करते ना कि नहीं नहीं सिस्टम बड़ा खराब है, काम नहीं कर रहे, अधिकारी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे, मीडिया जो है वो गलत खबरें दिखाता है, झूठी खबरें दिखाता है। हम हैं कहां, हम एग्जिस्ट कहां करते हैं, हमें यह समझना पड़ेगा। मैं खुद कभी अपने आप को बहुत तनाव महसूस करता हूं। ये ऐसी लड़ाई है, देखिए जो साजिश करने वाली ताकतें हैं उन्होंने सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है, मीडिया को, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को, सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है। दानिश मत लोग इस बात को समझेंगे, लेकिन हमारे यहां तो ऐसा कोई निजाम ही नहीं है ना। इस निजाम को बनाइए, बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले वक्त में आपके बच्चे समाज में फख्र से सर उठा करके रह सकें। वरना इरादे अच्छे नहीं है, सिस्टम के इरादे अच्छे नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आप सब यहां बैठी हैं, आप चाह लेंगी तो आपको आपके बच्चे को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। माएं अगर चाह लें, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मेरी अम्मी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, एकेडमिक तौर पर, स्कूल के तौर पर उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन वो अक्सर एक बात कहती थी कि बेटा मैं नहीं पढ़ पाई, मैं चाहती हूं कि तुम जरूर पढ़ो, मेरे बच्चे जरूर पढ़ें। और उनकी किन्हीं मासूम लम्हों में कहीं कहीं से एक बात ने अंदर से इतना इंस्पायर किया कि आज पूरी दुनिया पहचानती है, पूरी दुनिया मोहब्बत करती है, आज देश की पार्लियामेंट में बैठा हूं। ये शायद मेरी मां ने किसी लम्हे में जो मुझसे बात कही थी उसी का असर है, उसी का संस्कार है। तो आपको एक बात का हक करना है कि घर पर बच्चों के पढ़ाई के लिए माहौल नहीं है, माहौल आपको बनाना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि जो एलीट तबका है हिंदुस्तान का, बस एक बात को इसको बहुत संजीदगी से समझिएगा, जो एलीट तबका है जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो किस तरह से प्लान करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्वेल्थ कहां से करवाना है, सब कुछ प्लान करके सब कुछ करते हैं। हमारे यहां बेतरतीबी, कोई वो मजहब जिसने आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा तरतीब में बांधा, आज हम उस मजहब के मानने वाले, हमारे यहां कोई तरतीब ही नहीं, इतनी बेतरतीबी, इतनी बेतरतीबी करना खैर कर। और जो एक मिजाज बन गया है ना कि पढ़ने से क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस सोच को निकालिए। हमारे जहन में बना हमें नौकरी तो मिलेगी, हम पढ़ के क्या करेंगे। मैं ऐसे हजारों लोगों से मिल चुका जिन्हें लगता है कि हमारे लिए तो नौकरी मुल्क में है ही नहीं है, तो हम पढ़ के क्या करेंगे। तो पता चलता है कि बच्चे ने बमुश्किल आठवीं पास किया, हाई स्कूल कर लिया, तो उसको भेज दिया आपने, या तो कहीं ट्रक चला रहा है, या कहीं टैक्सी चला रहा है, या जाकर के किसी पंचर की दुकान पर पंचर जोड़ रहा है। हमने अपने बच्चों को यहां ला के खड़ा कर दिया है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि नहीं, अगर सच में कोई पढ़ेगा, सच में कोई जिद लेकर के जाएगा, तो ये सच है कि नफरतें हैं, ये सच है कि जब आपकी कॉपी जांची जाती है तो आपका नाम क्या है ये तय करता है कि नंबर कितने मिलने हैं। लेकिन मैं तो अपने बच्चों से, अपनी नस्ल के बच्चों से एक बात कहता हूं कि सबकी कॉपी 100 नंबर की के उसमें जचनी है, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हें 200 नंबर में अपनी कॉपी जचवानी है। उसी इम्तहान के लिए एक बार रिजेक्ट किया जाएगा, दो बार रिजेक्ट किया जाएगा, तीन बार रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन अपना मियार इतना ऊंचा करो, अपनी मेरिट इतनी ऊंची करो, अपना जहन इतना खूबसूरत बनाओ कि उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को महसूस हो कि नहीं यार जीनियस हमारे पास आ रहा है। और एक चीज जान लीजिए, दुनिया में जीनियस की कदर हर इंसान करता है। वो जीनियस किसी भी समाज का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी नस्ल का हो, जीनियस लोगों की कदर होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, और इस शहर के जो और जिम्मेदार हैं उनसे भी एक बात की गुजारिश है, बहुत बार ऐसा होता है कि अल्लाह हमें बहुत दौलत देता है, लेकिन हमारी औलादें ऐसी निकलती हैं कि उनका पढ़ने में तो रुझान ही नहीं, तो हमें एक वक्त के बाद लगता है कि हमारी नस्ल का तो पता नहीं क्या होगा, बच्चा तो मैं सारी दौलत खर्च करके इसे पढ़ाना चाहता हूं, ये पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ऐसे वक्त में जरूरी नहीं कि अपनी ही औलाद पर सारा कुछ खर्च करें। अगर आपकी औलाद कुछ पढ़ना नहीं चाहती, उसका रुझान नहीं है, आपको लगता है कि कुछ और करना चाहता है, तो ठीक है, अड़ोस पड़ोस में नजर दबाइए, कोई एक बच्चा ऐसा मिल जाएगा जो पढ़ना चाहता होगा, उसे अडॉप्ट करिए, उसको पढ़ाइए खामोशी के साथ। ऊपर वाला देख रहा है, जरूरी नहीं कि हर चीज की क्रेडिट तुरंत मिले,
बहुत सारी चीजों की क्रेडिट बाद में भी मिलती है, और अगर आप ये कर ले गए तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है, जब आप सिस्टम के हर कोने में बैठे होंगे तो कम से कम समाज में जो पार्शियलिटी है, जो जुल्म है, उसको तो रोक पाएगी आपकी नस्ल। तो बहुत लंबी तो तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि आप तकरीबन 1:30 बजे से यहाँ बैठे हुए, मैंने ऐसा सुना 2 बजे से यहाँ बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ करके बैठे, उनका प्राइस बटना है। मैं चूंकि शायर भी हूं, सांसद तो बात नहीं हूं, पहले शायर भी हूं, तो मैं एक 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ तालीम से जुड़ा हुआ। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दोनी वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो। इस महफिल में छत्तीसगढ़ के तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, लाइफ के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं अभी जब सऊदी अरब के बशारे में था तो मैं एक प्रोग्राम में खड़ा हुआ, तो मैंने गजल के कुछ शेर नमाज सुनाए। आज हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साथ है, हमारी नस्लों के साथ, और हम सिर्फ मातम करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। तब मैंने कुछ शेर कह मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने रियाद में सऊदी अरब की राजधानी में खड़े होकर के गजल कही और वहीं पढ़ी, उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत मौजूद है। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई हमारी नस्लों से, हमारे समाज से, हमारे अपनों से, कुछ तो चूक हुई है। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई, आज तारीख है सुल्तान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, बेसरो सामान, कहां चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। और ये एक शेर है, इसको अपने घर लेकर के जाइएगा, इसे तन्हाई में सोचिएगा। इमरान ने एक बात कही है जिसे दिल में बिठाने लायक है, कि किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे, किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे,
सुल्तान कहां चूक हुई और हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे मसला अब है मुसलमान कहां चूक हुई मसला अब है मुसलमान कहां चूक हुई और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी सोचता रहता हूं इमरान कहां चूक हुई सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई सोचिएगा और शुक्रिया और जाते जाते हम दो तीन शेर आपको और सुना करके आपसे विदा लेते हैं जी मैं कहने के लिए सियासत में हूँ मगर आप पार्लियामेंट में लेकिन जब मैं माइक पे खड़ा होता हूँ इस तरह के किसी गैर सियासी प्रोग्राम में तो मुझे लगता है कि मुझे सच्ची और कड़वी बातें करनी चाहिए सियासत से हट के मैं गजल के कुछ शेर जो मैं तालीम अक्सर तालीम पे मैं बात करता रहता हूँ मेरा मिशन भी है तालीम और जब मिशन तालीम में आना पड़ा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे दिल से जुड़ी हुई बात है तो मुझे जरूर हाजिर होना चाहिए के वक्त की ये जरूरत समझ लो बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है आपको मुझे लगा कि थक गए हैं क्या नहीं थक गए तो मुझे लगना चाहिए कि आप नहीं थक गए आपका जोश आपका जज्बा मुझे समझ आ रहा है के वक्त की ये जरूरत समझ लो बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है मेरे खास तौर से नई नस्लों के नाम जो मेरे छात्र जो मेरे तलबा यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं के वक्त की ये जरूरत समझ लो बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है ना कोई रहनुमा ना हुकूमत कोई भी अब तुम्हारा नहीं है ना कोई रहनुमा ना हुकूमत कोई भी अब तुम्हारा नहीं है रक्षित सुनिएगा के इब्तिदा लफ्ज़े इकरा से यारो जिसके कुरान की हो जिसके कुरान की हो रही हो जिसके कुरान की हो रही हो कौन ऐसी भी रह जाए जाहिल ये खुदा जरूरत समझ लो कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चार
जो पढ़ना चाहता था दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर पढ़ने जाता था, 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर पढ़ने जाता था डेली अप एंड डाउन 12 किलोमीटर, यानी कि एक दिन में 24 किलोमीटर। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता, ये एक सच्चाई है। मेरी नई नस्लों से खासतौर से बात कर रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ कैसा सुलूक किया जाता था स्कूल में आपको पता है, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ना है, क्लास में एंट्री नहीं दी जाती थी, क्लास के बाहर बैठ करके जो क्लास के अंदर चल रहा है, क्योंकि इतना छुआछूत और इतना अपर कास्ट और एससी वाला जो मसला था वो इतना ज्यादा था कि उन्हें बाहर बिठा करके पढ़ाया जाता था। लेकिन पढ़े तो फिर क्या पढ़े, इस देश में जो आज आईन है वो आईन लेने वाले बने। तो हमें इंस्पिरेशन लेना है, कहां से लेना है, उन तमाम लोगों से जिन्होंने कुछ अलग से किया। हम मातम बात करते हैं, हम शिकवा बात करते हैं, हम शिकायत बात करते हैं, लेकिन मेरी नई नस्लों में आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी, कब तलक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर हमारा नहीं है, कब तलक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर हमारा नहीं है, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। कौन मुझको पुकार जाता है, 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 मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मैं एक शेर में आपके धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। और शेर सुनेगा जो दानिशमंद लोग हैं शेर तक पहुंचेंगे, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है किस एक शेर में मैं उसे ढालता हूं कि रायगा मेरा खून नहीं जाता। ये जो मासूम मासूम बच्चे हैं उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, शायद वो यही कह रहे हैं कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा, रायगा मेरा खून नहीं जाता,
जाएगा तेरा बार जाता है। और दुनिया के तमाम जालिम हुक्मरानों के नाम कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, मेरा सब्रो करार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है। धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, मेरा सब्रो करार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा सब्रो करार जाता है। शुक्रिया एक बार फिर से आप सारे लोगों का। तमाम भाई को जल्दी किसी बात करने का खत्म हो जाएगी तो किसी मुशायरे में आऊंगा और फिर ढेर सारा आप सबको सुनाऊंगा। एक अनाउंसमेंट मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। ज़कात फाउंडेशन जो कर रही है बहुत शानदार काम है, तो मैं अपनी तरफ से इस फाउंडेशन को 1,00,000 रुपए की मदद करना चाहूंगा। तो मैं अनिल आपको कहूंगा कि वो चेक मुझसे कलेक्ट कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं चेक फाउंडेशन के नाम भेज दूंगा। और मैं बाकी रायपुर के छत्तीसगढ़ के लोगों से भी कहूंगा कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी मदद करिए। इस दौर में सोशल मीडिया ने चीज बड़ी खराब कर दी है, वो एक ये कि हम मजम्मत करते हैं, हमें लगता है कि हमने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी, एक ट्वीट कर दिया, एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर दी और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, मेरा मानना है कि जो गलत है उसको सिर्फ गलत कहने से काम नहीं चलेगा, जो गलत है उसको गलत कहिए भी और जो सही है उसके साथ खड़े भी होइए, खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन बेहतर काम कर रहा है तो फाउंडेशन के साथ खड़े होइए, उन्हें मदद करिए। आज जो बच्चे यहाँ पर जिनको सम्मानित किया जाएगा उनको बहुत सारी मुबारकबाद, और इन बच्चों का सम्मान देख करके, इन बच्चों की हौसला अफजाई देख के मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में रायपुर और छत्तीसगढ़ के तमाम और बच्चे इंस्पायर होंगे और कामयाबी हासिल करके अगले साल मैं एक वादा जरूर कर रहा हूँ ज़कात फाउंडेशन से कि जब भी आप मुझे याद करेंगे, जब भी कोई फंक्शन करें आप मुझे जरूर बताएं, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा आपके इस प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।